क्ले से इजी बच्चे वर्क कैसे कर सकते हैं। क्ले लेके अपने ऐसे उसको गोल गोल घुमा लेने, थोड़ी से हम ज़्यादा लेंगे। एक यूटेंसिल्स इसके आते हैं जो स्टील के बने हुए होते हैं, वो अंदर से बंद नहीं होते। ये तो मेरे पास ये अवेलेबल थे, मैं इसी से आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। एक ही हमारे पास डायनासोर है, ओहो क्ले लगी बेचारे के ऊपर। ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, देखिए इस तरह रख के इसके अंदर ये ऐसे इसको भर देने। जो स्टील वाले होते हैं उनमें बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें से आप दूसरी तरफ से आराम से निकाल सकते हैं, उनको शेप बन जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि प्रॉपर आइज़ वगैरह भी साथ बनती हैं, बाद में आप उसको थोड़ी सी शेप दे लेते हैं। ये फुल कवर हो गया अंदर, इसको हम चंद सेकेंड कवर रहने देंगे। अच्छी तरह इसके सारे देख लेना, इसकी कर्व वगैरह के अंदर से अंदर घुस गए कि नहीं। इसके लिए हम ये लेंगे, देखिए यूँ करके इसको, ताकि सही शेप आए। साइडों से पूरा कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा क्ले है, ये भी इतना साफ़ हो गई। थोड़ा सा इसका एक दो झटके देने ताकि वो क्ले नीचे को निकले। ये देखिए ये हमारा डायनासोर ऐसे बना हुआ आ गया। अब इसको हमने शेप दे लेनी है। जहाँ तक इसकी शेप ख़राब हुई ना, उसको हमने शेप दे लेनी है। यहाँ पे इसके फॉर्म बने हुए थे, इसका हाथ है जो बेचारा पीछे हो गया। ये इस तरह से बन गया। इसकी आईज हमने प्रोमिनेंट कर देनी है, ऐसे बनी हुई हैं उसमें, हमने बस उनको प्रोमिनेंट कर देने। इसकी स्माइल बन रही है ऐसे। वहाँ पे ऐसे करके इस पर ब्रश लेके आपने इस तरह से उसकी बैक साइड को ऐसे बीच में करके इसको सुराख कर देना है। और फिर इस तरह से रख के इसको ड्राई कर लेना है। ऐसे करके ड्राई हो जाएगा। अब ये ड्राई जब हो जाएगा तब मैं आपको इसको, ये मैंने एक बनाया था ये इस शेप से बने, इसकी आई जो है ना वो तरीकी थी, उसको हम कवर करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, इसमें यहाँ पे इसके की स्माइल। अब इसकी आई वाली जगह पे मैं ऐसे करके इसको ज़्यादा बड़ा बन गया। छोटा सा गोल बना के इसको इसकी आई के अंदर ऐसे घुसा देंगे। तो क्यूट सा हमारा बन जाएगा। स्नेक बना हुआ है, स्माइलिंग सब
इसके अंदर भी आप लोग चाहें तो ग्लू मिला सकते हैं। ग्लू मिलाने से शेप जो है वो काफ़ी चल जाती है, टूटती जल्दी नहीं है। इस तरह से ये बन गया है। यूटेंसिल्स जो हैं वो स्टील वाले आप लें, ताकि एक तरफ से जो है वो क्ले आप डालें, दूसरी तरफ से आराम से निकल जाएगी और आप लोगों की शेप रेडी हो जाएगी। अब ये हम लोगों ने पेंट करने इन दोनों को, इसके लिए हमें ये पेंट्स चाहिए पोस्टर कलर्स। इसमें मेरे पास ओकर कलर है, ब्लैक है, पिंक है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, वाइट है, येलो है और ब्राउन कलर है। अब पोस्टर कलर के हम लोगों को बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ चाहिए होती है। एक हमने एक ग्लास में पानी चाहिए होता है। ये मेरे ग्लास की हालत में ना जाएगी, ये मैं काफ़ी अरसे से जो है पेंट कर रही हूँ, तो ग्लास जो है मैंने एक ही रखा हुआ है, वरना मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, आपने पेंट लेना है थोड़ा सा, उनको हम ऐसे ऑरेंज कलर हमने लिया। हर दफ़ा आपने नेक्स्ट नए पेंट के अंदर डालने के लिए नया साफ ब्रश लेना है, ब्रश को। अच्छा, ये देखें, हम ये मैंने कलर लिया और इसको मैं अब इस तरह से इसके सुराख में कर रही हूँ। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसके अंदर हम लोग जो होल्स बने हुए हैं इनके अंदर हम लोग इस तरह से बारीक छोटा ब्रश लेके उसको ऐसे करके, ब्रश आपने बच्चों को लेके देने तो आप एक दरमियाने साइज़ का ले दें, एक बिल्कुल छोटा ब्रश ले दें और एक बड़ा ब्रश ले दें। छोटा ब्रश बच्चों के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कौन से बारीक काम जो है वो बारीक तरीके से होता नहीं, इससे छोटा ब्रश उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमारा पेंट हो गया। अब एंड पे हमने इसकी आई पेंट करनी है। आई पेंट करने के लिए अगेन हमने ब्रश को क्लीन किए और ये हमारे पास ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर हमने लिया और ऐसे हमने इसको आई को पहले हम पूरा ब्लैक कर देंगे और इसके ड्राई अप होने का वेट करेंगे। ये ब्लैक कलर हम इसलिए किया है ताकि ये थोड़ी सी ना बेस बन जाए, डायरेक्ट वाइट नहीं लगाया। अब हमने क्या करना है, इधर साइड्स पे जो है ना वो एक छोटा सा ब्लैक दायरा छोड़ के बाकी ऐसे करके साइड्स पे हमने वाइट कर देने, ब्लैक बेस बन जाएगी तो वाइट कलर हमारा जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश होकर सामने आएगा। ये हमारी आई बनी। अब हम अगेन जो है वो ब्लैक कलर लेंगे इस तरह से और इस कलर को भी हम लोग जो है ना वाइट को भी ड्राई होने का वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर कलर नहीं आ रहा, थोड़ा सा हम इसको ड्राई अप होने देंगे। ये इस तरह से जो है वही हमारी आई पेंट हो गई है। बीच में छोटा सा सर्कल बनाने का ब्लैक भी फ़ायदा होता है कि शेप क्यूट लगती है। ये अब हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, इसको हम आराम से यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं। ये देखिए थिक होने का, नीचे से आप थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे तो उसके फ़ायदे कि आपकी शेप कहीं पे भी खड़ी हो सकती है ऐसे। ये हमारी दूसरी भी शेप जो है पेंट हो गई है, डायनासोर हैचिंग फ्रॉम एग है ये। ये तो हमने दो शेप्स बनाई थी, वो इस तरह से हमारी दोनों ये पेंट हो गई हैं। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel, Little Star Cognitive Learning.